हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन करने का कुछ कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कोसेक इनवर्स, कोसेक 13π/4। देन कोसेक इनवर्स कोसेक हटके 13π/4 ये आप लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि 13π/4 कोसेक का रेंज हम आप लोग को बताए थे -π/2 से π/2 होता है, जिसमें जीरो एक्सक्लूड रहता है, जीरो नहीं रहता है। तो इसको हम इस रेंज में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 13π/4 को, ये क्लास 11 में भी आप लोग पढ़े थे इस तरीके से, कितने टाइम जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π + 5π/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब कोसेक इनवर्स कोसेक 2π + π/4 क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 2π है तो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा तो कोसेक ही रहेगा ना। और 2π/4 2π पे चेंज होगा नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा 5π/4। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं π + π/4। तो यहां से देखें कोसेक इनवर्स, कोसेक पाई है तो नो चेंज होगा, कोसेक ही हो जाएगा, और ये π/4 हो जाएगा। यहां से कोसेक इनवर्स और कोसेक अब हटेगा, लेकिन π + π/4 ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? π + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव यहाँ आएगा। अब बताइए कोसेक इनवर्स, कोसेक का निगेटिव बाहर है तो क्या एंगल में हम उसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से कोसेक इनवर्स कोसेक हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? π/4 निगेटिव में, -π/4 इज आर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन टू आपके लिए। इवेलुएट साइन कॉट इनवर्स कॉट 17π/3। ये है क्वेश्चन आपके लिए। अब फिलहाल इसको कॉट के रेंज में लाना होगा। कॉट का रेंज क्या होता है आपको सबको पता है, जीरो से पाई के बीच में ना। तो इसको उस रेंज में लाने के लिए कॉट इनवर्स क्या करेंगे, इसको 3 से कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। तो 5 टाइम रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 17π/3 कैन बी रिटर्न एज 5π + 2π/3। नाउ साइन कॉट इनवर्स 5π पे नो चेंज, कॉट ही रहेगा, एंड 2π/3। क्लियर है? कॉट इनवर्स कॉट π/3। अब यहां से कॉट इनवर्स कॉट हटेगा, क्योंकि 2π/3 इसके रेंज में आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? π - π/3। और साइन π - π/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन π/3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/3? √3/2। दिस इज द आंसर। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो 2008 एंड 2011 में पूछा है, आपके सामने में रख रहे हैं, आप ट्राई करें। वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करिएगा, फिर आप इसका सलूशन यहाँ पे देखिएगा। साइन 2π/3, ये क्या कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा? नहीं, क्योंकि ये क्या, ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, उस रेंज में है, पहले ये चेक कर लीजिए। अगर रेंज में है तो कैंसिल हो जाएगा। कॉस का क्या रेंज होता है? जीरो से पाई। 2π/3 मतलब 120 डिग्री, इस रेंज में है तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट 2π/3 लिख सकते हैं। लेकिन साइन का रेंज क्या बताए थे आपको? -π/2 से +π/2, तो क्या ये कैंसिल होगा? नहीं। तो अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? π - π/3
थ्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब टू पाई बाई थ्री प्लस साइन इनवर्स, साइन पाई पे नो चेंज तो साइन ही रहेगा, और पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब पाई बाई थ्री इसके रेंज में आ गया, अब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा यहाँ से, तो पाई बाई थ्री आ जाएगा। तो टू पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा? थ्री पाई बाई थ्री, एंड आंसर इज पाई। क्लियर है? ये देखिए यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस डायरेक्ट हट गया, यहाँ पे नहीं हटा, क्योंकि ये कॉस के रेंज में आ रहा था और ये वैल्यू साइन के रेंज में नहीं आ रही थी। ये देखिए क्वेश्चन 2012 का है, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। वीडियो पॉज करिए आप और लगाइए, जब आपका आंसर आ जाए तब वीडियो प्ले करके इसको देखिएगा।